Very good morning to all of you. Myself Vikram, PhD Commerce or Economics teacher. As you know that we have completed chapter number 3, and in this chapter what we have discussed till now, we have discussed about the MCQ questions, fill in the blanks, true, false, and moreover I told you that you have to read about the short answer and long answer type questions. And today we will going to be discuss about the essential practical questions as well as NCERT based questions. So in the essential practical question, first question is, there are 10 students in your school who excel in the game of cricket and all are equally brilliant, but you are to select only 3 out of 10 for the representing your school in inter-zonal cricket tournament. How would you do it? Aap ye kaise karenge? Give the details with vision. Reasons batane aapko details ke saath. तो बेटा सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जहाँ पर 10 बच्चे हैं और 10 के 10 क्रिकेट में एक्सेल है, एक्सेल मीन आउटस्टैंडिंग, वो क्रिकेट खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यू विल से दैट दे आर होमोजीनियस इन नेचर. उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी फीचर्स, क्वालिटीज, वो सब क्या है, होमोजीनियस है. और जहाँ पर होमोजीनियस फीचर्स होती हैं तो वहाँ हम लोग जनरली फॉलो करते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स, जहाँ पर सभी को एक जैसा चांस मिलना चाहिए फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस. तो हम यहाँ बात करें तो कौन सा मेथड हम बेसिकली फॉलो करेंगे, सैंपल मेथड. तो सैंपल मेथड को हम फॉलो करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो डाटा है वो होमोजीनियस है. मैं इसका आंसर आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ. अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ आप लोगों से, तो एसेंशियल प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन मैंने आंसर मैंने टाइप कर रखे हैं, आप कुछ इस तरीके से इसका आंसर देंगे. यस, एज ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली ब्रिलियंट इन द गेम, नो डाउट, क्योंकि लिखा है उसने, स्पष्ट तौर पर लिखा है. एंड सो वी कैन से दैट ऑल द मेंबर्स और द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स स्टैंडिंग फॉर होल डेटा, टोटल के टोटल 10 स्टूडेंट, दैट इज योर यूनिवर्स, आर होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल. वो होमोजीनियस है, आइडेंटिकल. होमोजीनियस का मतलब है उनमें सारी फीचर्स अवेलेबल है, आइडेंटिकल का मतलब है एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. इन दिस रिगार्ड ऑल द स्टूडेंट्स डिजर्व टू बी सिलेक्टेड or having the equal chances for getting the selection. Therefore, random sampling techniques, we can say lottery method or Pivot table method, जो हमने पढ़ी थी, उनका हम यहाँ utilization कर सकते हैं, being a scientific method and free from any personal biasness, जो कि सभी को equal chance देता है, तो definitely वो free from biasness होता है, तो हम उन method का use कर सकते हैं. Would be the most appropriate to use for the selection of the student. अब उनमें 10 में से 3 स्टूडेंट्स का हमें सिलेक्शन करना है, सो वी कैन यूटिलाइज द लॉटरी मेथड. एंड हाउ वी विल सिलेक्ट द 3 मेंबर्स आउट ऑफ 10 सो द लॉटरी मेथड दैट आई टोल्ड यू ड्यूरिंग दैट लॉटरी मेथड, वी विल मेक द स्लिप्स ऑफ ऑल द 10 स्टूडेंट्स एंड विल पुट इन ए पर्टिकुलर बॉक्स एंड इट विल बी सेक्ड वेरी वेल, ताकि सारे नाम आपस में मिल जाए, किसी को भी सिलेक्शन होने की संभावना इक्वल चांसेस पर हमारे सामने रहे. तो दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये किया जा सकता है कि अब उनमें से किसी एक ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जाए जो कि उनमें से किसी को भी ना जानता, और उससे उन पर्चियों में से 3 पर्चियां निकलवाई जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर लॉटरी मेथड. तो आप उस हिसाब से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे. नो डाउट आई विल सेंड द होल आंसर्स व्हाट आई हैव रिटन इन द माय दिस इज माय टेबल, आई विल सेंड टू यू. द सेकंड क्वेश्चन दैट बिलोंगिंग टू, देयर आर 40 students in your school who are cricket players. The same question near about, वहाँ पर 10 students हैं या 40 students हैं, लेकिन एक बात नहीं लिखी है, they are equally brilliant or they are excellent game of cricket. ऐसा कुछ लिखा नहीं है. So you are to form a team of 11 players. How would you do it? Would you resort of random sampling techniques? Give reasons in support of your answer. तो बेटा जहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ स्पष्ट तौर पर तो लिखा नहीं है कि सारे के सारे होमोजीनियस हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो क्या आप रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स की तरफ जाएंगे? अगर रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स की तरफ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए वो होमोजीनियस होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए. सो वट वुड बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस? हम यहाँ पर अगर बात करें तो हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड को यहाँ फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि अगर हमें गिवन नहीं है तो वी कैन अज्यूम दैट कि क्रिकेट खेलने वाले हैं 40 से 40 बच्चे और क्रिकेट प्लेयर हैं, स्पष्ट दिखा है, तो वो होमोजीनियस भी होंगे, वो आइडेंटिकल भी होंगे, तो हम यहाँ पर भी रैंडम सैम्पलिंग मेथड को फॉलो कर सकते हैं. हाउ विल यू राइट द आंसर फॉर दिस? यू विल राइट, वी कैन यूज द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन लगा के करेंगे ये बात,
The students of the schools are brilliant in game of cricket. Otherwise, if no such information is available, we will follow the known random sampling technique can be utilized. In this regard, any of the known random sampling technique, namely judgmental, quota sampling, or convenience sampling, or purposive sampling technique can be utilized. For instance, in accordance with the judgment, sampling based on your own opinion and judgment, and any 11 student can be selected. So there can be biasness. So वहाँ पर biasness हो सकती है अगर आप अपने हिसाब से select करते हो तो 40 student में से 11 students तो याद रखिएगा कि आपको ये characteristic याद रखनी है कि we can utilize random sampling technique only and only when the data are homogeneous and identical and brilliant equally. अगर वो सारे एक जैसे खेलने वाले हैं that means they are equally brilliant. उस कंडीशन में हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते थे रैंडम सैंपलिंग. नाउ वी कैन हियर यूटिलाइज द नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड क्योंकि ऐसी कोई फीचर नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ दिस फीचर वी कैन यूटिलाइज नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक उसका आप अप्लाई करेंगे तो उसके आंसर में आप अपना जो ये कोड मैंने बताया उसको आप रीजन के तौर पर दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है. यू वॉन्ट टू कंडक्ट ए सर्वे on the popularity of noodles among the students of different schools in your town. आपके स्कूल में आपके कस्बे में शहर में जो अलग अलग बच्चे हैं उनके बीच में नूडल्स की पॉपुलैरिटी कैसी है वो कैसे उनके नूडल्स को लाइक या डिसलाइक करने के क्या चांसेस हैं. How would you design and choose your sample of study? Give reason in support of your answer. आपको इसके लिए डिजाइन करना है कि किस तरीके से आप इसको स्टडी करेंगे किस तरीके से आप इसमें सैंपल को सिलेक्ट करेंगे. देखिए बेटा अगर हमें अपने टाउन के आसपास बच्चे जो स्कूल हैं उनके बच्चों के बारे में अगर बात करनी है तो दे आर नॉट लिमिटेड इन नंबर्स वो अनलिमिटेड हुए क्योंकि स्कूल में अलग अलग स्कूल में अलग अलग बच्चे हो सकते हैं तो उसके लिए कम्प्लीट यूनिवर्स को तो हम स्टडी कर नहीं सकते सभी की तो स्टडी हम कर नहीं सकते हम उसमें सैंपल उठाएंगे. इसलिए इसने क्या कहा है हाउ वुड यू डिजाइन एंड चूज योर सैंपल ऑफ स्टडी you region in spotted grants. So, आप उसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे. In order to select a sample, किसी मान लो सैंपल को यदि हमें सिलेक्ट करना है for the survey purpose, तो हम क्या करेंगे either we will utilize the quota sampling method, either we will utilize the कौन सा method use करेंगे भाई कोटा के साथ साथ हमारे पास और भी तो मेथड है बहुत सारे जैसे purposive sampling है या convenience sampling है लेकिन हम यहाँ बेसिकली कोटा sampling method उठाएंगे. क्यों उठाएंगे क्योंकि कोटा sampling method में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपका यूनिवर्स होमोजीनियस ना हो क्योंकि अब देखो हर एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आइडेंटिकल नहीं है वो होमोजीनियस नहीं है उनके टेस्ट उनके प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है तो हम पार्टिकुलरली यहाँ कौन सा मेथड उठा लेंगे कोटा सैंपलिंग मेथड उठा लेंगे. और कोटा सैंपलिंग मेथड जब हम लेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे अंडर दिस मेथड द एंटायर पॉपुलेशन वुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द स्कूल टू विच द स्टूडेंट बिलोंग्स एज ग्रुप एटसेट्रा. देखिए कैसे ग्रुप बना लेंगे मान लीजिए अब मैं झज्जर की बात करता हूँ आपके टाउन की झज्जर टाउन के अंदर झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं सभी स्कूलों में मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों में नूडल्स की पॉपुलैरिटी को लेकर क्या रुझान है तो मैं नाम लिख लूंगा एच आर ग्रीनफील्ड स्कूल इनके बच्चों के एज ग्रुप लिख लूंगा 3 से 8 साल के बच्चे 9 से 12 साल के बच्चे 13 से 16 साल के बच्चे आर ई डी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिटिल एंजल स्कूल या एनी अदर काइंड ऑफ स्कूल के वी एस वगैरह इन सब के नाम लिख लूंगा सब मैं एज ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा. एज ग्रुप में जब मैं उनको बांटूंगा तो उनके अकॉर्डिंगली उनमें से मैं डाटा को क्या लूंगा सेलेक्ट करूंगा ताकि मेरा पूरा यूनिवर्स डिजाइन किया जा सके. इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ नूडल्स की पॉपुलरिटी के बारे में जान सकता हूँ उन बच्चों से उन पार्टिकुलर स्टूडेंट्स से जो कि मेरे टाउन में अलग अलग स्कूल में स्टडी करते हैं. तो रिक्वायर्ड सैंपल वुड देन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स यानी जो ग्रुप आपने बनाए हैं उनमें से आप रिक्वायर्ड सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे और उनके आधार पर आप डिस्कशन करेंगे. बेटा बताओ पापा कितना चलिए तो हम बात कर रहे थे कि भाई इस तरीके से हम जो है ना नूडल्स की पॉपुलरिटी चेक कर सकते हैं अपने टाउन आपने होम टाउन में जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनके बीच में नूडल्स की पॉपुलरिटी कैसे हैं. यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं क्या सपोज हमारे पास जो है ना एक सैंपल ऑफ कलेक्शन हम जो है उठा लेते हैं मान लीजिए 10 स्कूल हैं और 10 स्कूल में 100 बच्चे हैं 100 students from the 10 schools. ये हम एक डाटा ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं. The investigator can further decide that out of these 100 students, 100 children,
40% would be in the age group of 5 to 10, 60% in the age group of 10 to 15. इस तरीके से हमने उनके ग्रुप बना लिए दो. एंड द सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड सैंपल फॉर द इंटरव्यू विद इन द कोटा वुड बी एट द डिस्कशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसके अकॉर्डिंगली, उसके सिलेक्शन उसके जो है ना अकॉर्डिंगली हम डाटा से क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं फॉर आस्किंग द पॉपुलैरिटी ऑफ नूडल्स अमंग दोज स्टूडेंट्स. तो आपको जो है बेसिकली ध्यान रखना है, व्हेन एवर यू आर giving the answers about the census and sample method, you must know about the different kind of method and the characteristics of those methods. ताकि हम उसके accordingly क्या define कर सकें, हम ये define कर सकें कि हमें method कौन सा use करना है यहाँ पर. अब यहाँ पर town है, different school है, तो different school है town के अंदर, उसमें different different students होंगे, वो homogeneous भी नहीं होंगे, वो identical भी नहीं होंगे, इसलिए हम quota sampling method यहाँ पर utilize करेंगे. Next है question number हमारा fourth. In a village, एक गांव में comprising क्या है देखते हैं, 300 small and big farmers, 300 बड़े और छोटे किसान हैं. You are to select a sample of 10% farming households. The idea is to study cropping pattern in the village. How would you take your decision for selecting the samples? बेटा फिर इसी बात आप ध्यान रखें, 300 एक पार्टिकुलर गांव है, 300 वहाँ पर छोटे और बड़े किसान हैं, और उनमें से हमें 10% किसानों को क्या करना है, सिलेक्शन करना है. अब 10% किसानों का सिलेक्शन करना है, 10% सिलेक्शन करना है किसानों का, तो हमें बताना है कि हमें किस प्रकार का जो है डिसीजन सैंपल सेलेक्ट करने का, किस प्रकार की टेक्निक को यूज करना चाहिए. देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक, उसके अंदर हम करते क्या है बेटा, वो कहाँ पर अप्लाई होती है, पहले तो अप्लाई होती है जहाँ पर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हों. अब यहाँ छोटे फार्मर भी हैं, बड़े फार्मर भी हैं, किसी के पास जमीन कम भी होगी, किसी के पास जमीन ज़्यादा भी होगी, कोई कोई फसल प्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई कोई फसल प्रोड्यूस कर रहा होगा. तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हम जो मैथड यूज करेंगे दैट विल बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मैथड. अब क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, क्योंकि अंडर दिस मैथड पॉपुलेशन वुड बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. बेसिकली वो दो ग्रुप्स क्या होंगे हमारे, स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स, बिग फार्मर्स. क्योंकि दो ग्रुप हो गए ना, छोटे फार्मर एक बड़े फार्मर. अब 10% डाटा मुझे सेलेक्ट करना है, देखेंगे कितने स्मॉल फार्मर्स हैं और कितने बिग फार्मर्स. इन्हें तो टोटल बता दिया हमें कि 300 फार्मर हैं जो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, दोनों का मिक्स है. अब 300 में मुझे पता नहीं है ना कि मान लीजिए 200 हो सकते हैं कि बिग फार्मर्स हों और 100 हो सकते हैं कि स्मॉल फार्मर्स हों. तो 200 बिग और 100 स्मॉल हों और 10% अगर हमें डाटा सेलेक्ट करना हो तो उनको स्ट्रेटिफाइड ग्रुप में डिवाइड करके आप चाहे कोई भी रैंडम सैंपलिंग मेथड यूज कर लें, लेकिन हमें टोटल फ्लैग कितने करने हैं, 300 में से 10% यानी कि 30. तो अगर मान लीजिए 200 फार्मर बड़े हों और 100 फार्मर छोटे हों तो टोटल मुझे 30 का सिलेक्शन करना है. तो मैं कैसे करूंगा बेटा, सीधी सीधी सी बात है कि 20 तो बड़े फार्मर्स में से सिलेक्ट करूंगा और 10 छोटे फार्मर में से सिलेक्ट करूंगा, और यही हमारा पार्टिकुलरली पैटर्न रहेगा सैंपल डिजाइन करने का. तो इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे, इन ऑर्डर टू स्टडी द क्रॉपिंग पैटर्न इन अ विलेज we will utilize the stratified sampling technique or methods that can be utilized here. Under this method, we will divide the whole population into two groups. One is big farmers, another one is small farmers. और जो बड़े और छोटे farmers को हम जब बात लेंगे, यानी sample would be then be taken from the two stratas. एक तो small farmers के data से और एक large farmer data से हम data sample को उठाएंगे. और किस फॉर्मेट में उठाएंगे, किस रेशो में उठाएंगे, जिस रेशो में बड़े और छोटे फार्मर एग्जिस्ट करते हैं. अगर ये मान लीजिए मैं एग्जांपल लिया 200 और 100 का, अगर मैं इसकी जगह ले लेता कि 150 छोटे हैं और 150 बड़े हैं फार्मर, हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम 15 जो फार्मर बड़ों में सेलेक्ट कर लेते, 15 फार्मर छोटे वाले में सेलेक्ट कर लेते. तो ये डिपेंड कि वो किस रेशो में दिए गए हैं, उनका रेशो हम क्रिएट करेंगे बाय मेकिंग द ग्रुप्स, स्ट्रेटिफाइड ग्रुप्स, ताकि उनको हम आसानी से सेलेक्ट कर सकें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ वुड यू यूज द रैंडम सैंपलिंग मेथड व्हेन यू आर सेलेक्ट ए सैंपल 3 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अब ये बेटा अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था वो भी कुछ ऐसा ही था, 10 बच्चों में से हमने 3 बच्चे सेलेक्ट करने थे. तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, रैंडम सैंपलिंग टेक्निक हमें यूज करनी है. तो आपके पास रैंडम सैंपलिंग टेक्निक में कौन कौन सी टेक्निक है बेटा, लॉटरी मेथड है, टेबल है, तो दोनों में से किसका भी यूज करें.
अगर आप लॉटरी मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लॉटरी मेथड के बारे में बता दीजिए, टिपर टेबल के बारे में बता दीजिए, टेबल टेबल के बारे में बता दीजिए। वैसे आपको जब इसका आंसर देंगे तो आप इसको स्टेप वाइज में लिख के देंगे, स्टेप वन क्या करेंगे, स्टेप टू क्या करेंगे, स्टेप थ्री क्या करेंगे, स्टेप फोर क्या होगा, ठीक है। अगर लॉटरी मेथड सपोज आप फॉलो कर रहे हो तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, 10 स्लिप बनाएंगे, दूसरा स्टेप 10 स्लिप को डिब्बे में डालेंगे, उनको अच्छे से हिलाएंगे, थर्ड स्टेप में किसी अननोन को बुलाएंगे, उनमें से 3 स्लिप उठवाएंगे, फोर्थ स्टेप होगा जो बच्चे निकल कर आए उनके नाम अनाउंस करेंगे। That is your lottery method, उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबल अगर सैंपल देखें तो 10 बच्चों में से 3 बच्चों को सेलेक्ट करने के कम से कम भी 100 प्लस तरीके हो सकते हैं, 100 तरीकों से बच्चों को निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ के तो आंसर्स में हिंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जिनके नहीं दिए होंगे वो हम डिस्कस करते चल पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, देयर इज ए सर्टेन बायस इन्वॉल्वड इन नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल। बेटा नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आ गया तो इसका मतलब होता है सबको इक्वल चांस का ना होना। जब सबको इक्वल चांस नहीं है तो वहां पक्का बायसनेस होगी, हम बायसनेस को वहां शो करके चलेंगे, नो डाउट एट ऑल, तो बायसनेस वहां पर देखी जाएगी। नेक्स्ट है, ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया बेटा, इसको हम ट्रू कहेंगे। नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग लार्ज सैंपल। बेटा नॉन सैम्पलिंग एरर्स को कभी भी मिनिमाइज नहीं किया जाता लार्ज सैंपल लेके, क्यों, क्योंकि नॉन सैम्पलिंग मेथड में हम इक्वल चांस तो किसी को देते ही नहीं, तो ये क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा इस कंडीशन में। हाँ, अगर ये होता कि सैम्पलिंग एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग लार्ज सैंपल देन इट इज, इट वुड बी ट्रू, तो हम इसको ट्रू बोल देते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन ए विलेज ऑफ 200 फार्म्स A study was conducted to find the cropping pattern out of 50 farms surveyed. इनमें से 50 farm यानी खेतों को हमने सर्वे किया, 50% grow only wheat. Identify the population and sample size. आपको population और sample size बताना है। बेटा total जो population है वो कितनी है, 200. Total जो population है कितनी है, 200. और sample size क्या है हमारा, 50. हमने 50 को सर्वे किया है तो आप यहाँ लिख देंगे total population size 200 एंड पॉपुलेशन साइज के साथ साथ हमारे पास जो ये आ जाएगा ये कितना रहेगा, 50। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सैंपल एंड पॉपुलेशन। प्लीज आप देखें, सैंपल के दो एग्जांपल देने हैं, पॉपुलेशन के दो एग्जांपल देने हैं। हमने ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए उनमें सैंपल्स के बारे में बात हुई और जो है पॉपुलेशन साइज के बारे में बात हुई, तो कोई भी दो एग्जांपल आप ऊपर से उठाकर यहाँ लिख दीजिए, अदरवाइज पेज नंबर 45 और 46 पर आप उसके आंसर मिल जाएंगे, इसमें हिंट दिया वहां से कंटिन्यू करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज एंड व्हाई। अगर हम प्रेफर्ड मेथड की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि सैंपल मेथड इज टू बी प्रेफर्ड, क्योंकि हर बार सैंपल साइज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन सैंपल मेथड को यूटिलाइज नहीं कर सकते ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन, हम इसका रेगुलर यूज नहीं कर सकते, लेकिन सैंपल मेथड को हम रेगुलरली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें करना क्या होता है, एक बड़े लार्ज सैंपल को, बड़े लार्ज पॉपुलेशन को छोटे सैंपल में बांटना होता है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ दिया है, सैंपल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली प्रेफर्ड टू द सेंसस मेथड एंड बिकॉज द फॉर्मर इज लेस एक्सपेंसिव इन द टर्म्स ऑफ टाइम मनी एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड, हाउएवर फॉर द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ सैंपल मेथड इट इज वेरी एसेंशियल दैट सैंपल आइटम्स रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन एज ए होल। जो भी आप सैंपल सेलेक्ट करें वो पूरा का पूरा किसको डिनोट करें, पॉपुलेशन को डिनोट करें, तो हम सैंपल मेथड को जनरली यहाँ पर प्रेफर करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोर सीरियस एंड वाई। बेटा ध्यान रखिएगा कि जो सैंपलिंग एरर होती है वो तो लेस सीरियस होती है क्योंकि उनको तो हम रिमूव कर सकते हैं बाय इनहांसिंग द सैंपल साइज, लेकिन नॉन सैंपलिंग एरर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते, तो ये जो रिमूव नहीं की जा सकती तो इसलिए ये मोर सीरियस एरर्स के नाम से भी जानी जाती हैं। नॉन सैंपलिंग एरर इज मोर सीरियस देन द सैंपलिंग एरर बिकॉज ए सैंपलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज बाय ऑप्टिंग फॉर ए लार्ज सैंपल साइज एंड नो सच पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट इन केस ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर। वहां पर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी केस एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो जो क्या रहेंगी हमारी मोर सीरियस सैंपलिंग एरर्स रहेंगी, मोर सैंपलिंग जो नॉन सैंपलिंग एरर्स हैं वो मोर सीरियस एरर्स रहेंगे क्योंकि उनको हम करेक्ट नहीं कर सकते, उनको हम सही नहीं कर सकते। सपोज देर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ इन योर क्लास, यू वांट टू सेलेक्ट देम आउट ऑफ, सेलेक्ट 3 आउट ऑफ देम
हाउ मच सैंपल्स आर पॉसिबल। अब इसने पूछा हाउ मच सैंपल्स आर पॉसिबल, मैथमेटिकल थ्योरम की बात है बेटा, हम लोग कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन थ्योरम पढ़ते रहे हैं नाइन्थ क्लास में। कंटिन्यू करते हैं, देखिए इसने पूछा सैंपल्स के बारे में बेटा। सैंपल्स की जब बात की जाए तो सैंपल का सीधा मतलब होता है बेटा हाउ मेनी पॉसिबल वेज दैट वी कैन सेलेक्ट थ्री स्टूडेंट्स आउट ऑफ द 10। तो हम जनरली कॉम्बिनेशन को वहां पर यूटिलाइज करते हैं। यस साक्षी बेटा बताइए जरा, ओके ये हाउ मेनी पॉसिबल वेज हमसे पूछा चाह रहा था यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन थ्योरम हम लोग 10 से पढ़ते आए हैं, तो आप इस पे लगाएं अपनी कॉम्बिनेशन थ्योरम कि हम उनमें से 10 में से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इसको ये आएंगे 120। और इसको ओपन किया जाए तो इसका मतलब है 3 out of 10, ठीक है 3 लेने हैं 10 में से। तो इसको हम पार्टिकुलरली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस हाउ वुड यूज द लॉटरी मेथड टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 इन योर क्लास। ये अभी अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था सिलेक्शन मेथड का कि आप जब 10 बच्चों को सिलेक्ट करना, 10 बच्चों में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 10 बच्चों की स्लिप बनाइए, एक बॉक्स में डालिए, उसको अच्छे से मिक्सअप करिए और किसी अननोन पर्सन को बुला के उनमें से 3 स्लिप आप सिलेक्ट करवाइए और जो 3 बच्चे सिलेक्ट होंगे दैट विल बी द सैंपल ऑफ द 10 स्टूडेंट्स दैट वी हैव टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ द 10। तो वो हमारा सिलेक्शन सैंपल साइज बन जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग ए रैंडम सैंपल 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 इन योर क्लास बाय यूजिंग रैंडम नंबर टेबल्स। अब रैंडम नंबर टेबल्स में हमें जो तिब्बत टेबल है उसको यहाँ एक्सप्लेन करना है। तिब्बत टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए आप बता दूं आपको कि हमारे पास उसमें जो है 4 फिगर्स में हमारे जो 10,400 नंबर लिखे हुए होते हैं उनको हम अल्फाबेटिकली उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं और उन नंबरों में से 10 नंबर हम उन 10 बच्चों को दे देते हैं जिनमें से हमें 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तिब्बत टेबल, रैंडम जो टेबल है हमारी उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तिब्बत टेबल को। ये जो क्वेश्चन है, ये जो डिस्कशन किया, ये तो हमारा डिस्कशन हुआ एनसीईआरटी क्वेश्चंस का और एसेंशियल प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन का। आइए थोड़ा सा एक बार पीछे चल पड़ते हैं और अभी समय है हमारे पास तो हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर भी एक नज़र मार लेते हैं। होप सो कि वो आप कर लेंगे, मुझे डाउट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। This is all about our today's class. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye. Take care.